हेलो, नमस्कार आपको। सत सत प्रणाम। आपके आपको मैंने एक गुरु की तरह माना है। मैं आपके चरण छूता हूँ। हाँ जी, आपने कहा महाभारत के अर्जुन के वंशज हो आप। मैं उनके भी मतलब चरण स्पर्श करता हूँ, आपके भी करता हूँ। मतलब मैं भी लाइफ में बहुत परेशान रहा हूँ अब हमेशा। पता नहीं, मैंने जो आपको फोटो भेजे थे तो मैं भी एक CID एपिसोड में जाना चाहता था। पता नहीं किस्मत में सर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, अचानक किसी न किसी तरीके से पूरा नहीं कर पाता हूँ मैं उस काम को। तो यूट्यूब पे आपका देखा था तो कुछ कोशिश करी है। आपको वो जंजीरा किया था तो थोड़ा कृपया करके कुछ उसके बारे में ज्ञान दीजिएगा, कैसे करना है क्या करना है। हमने तो आप ही को गुरु मान लिया है। जब से कहते हैं कि बिना गुरु के कोई भी विद्या सफल नहीं होती है, कहावत है। चाहे वो देखिए मोबाइल हो, मोबाइल आपको सिखा रहा हो, या आपको गाड़ी आपके घर पे टाइम पे पहुंचा रही हो, सर सभी गुरु होते हैं। देखो, चाहे वो ज्ञान छोटा बच्चा क्यों ना दे, तो गुरु सर वो भी होता है। मैं तो आपके आगे कुछ भी नहीं हूँ। हाँ जी, ओके। चलिए, मेरे मैं और आपको कुछ कहना चाहता था बाद में। चलिए बाद में ही कहूँगा। आप क्या है, आपके ने रिकॉर्डिंग भेजी, वीडियो भेजे, और कुछ नहीं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप हमेशा सुखी रहें, हजारों साल जिए सर आप। नमस्कार, शुक्रिया। हेलो, नमस्कार, मैं नंदकिशोर बात कर रहा हूँ कानपुर घंटाघर से। मैंने आपका यूट्यूब पे देखा तो बहुत सी चीज़ आपकी सही है। कोई कोई जंजीरे जंजीरा मंत्र का आपका देखा था तो उसमें बहुत असर है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ, मतलब आप भी कुछ बताएंगे उसका विधि विधान तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मैंने आप ही को गुरु मान लिया, उसी दिन से मैंने कहा बिना गुरु के कोई विद्या सफल नहीं होती है। ये हकीकत बात है। चाहे हमें देखिए साहब, चाहे फोन सिखाए और चाहे कोई बच्चा सिखाए या कोई औरत सिखाए, कोई भी सिखाए, चाहे एक जानवर क्यों ना अच्छा रास्ता सिखाए, तो मतलब गुरु होता है सर एक तरह के। हमारे ख्याल से, आपके ख्याल से जैसा होता हो सर, ये नहीं जानते। हमने फोटो भेजी थी आपको, हम भी CID में जाना चाहते थे जो सोनी चैनल पे आता है, बहुत बड़े फैन हैं। पर क्या करें सर, जिंदगी में पता नहीं हमारे क्या दोष लगा हुआ है, हम कुछ कर नहीं पा रहे आगे के लिए। हाँ जी, आपने एक वीडियो में कहा था 64 योगिनी में, आपने कहा था आप अर्जुन के वंशज हैं। तो मैं अर्जुन साहब को मैं चरण छूता हूँ, उनके कोटि कोटि नमन करता हूँ उनको, और आपके भी चरण छूता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ आपको भी मैं, कि आप अर्जुन साहब के वंशज हैं। वैसे नाम नहीं लेना चाहिए, पर अगर सर मैं नाम नहीं लूँगा तो बताइए, मतलब कैसे आपको यकीन हो, मतलब किन को कह रहा है, समझ गए। इसलिए सर अगर हो सके तो थोड़ी कोई जुगाड़ उपाय सर मुझे भी बताइए। पता नहीं मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ मैं सर। मेरे पापा हैं, रिक्शा चलाते हैं, मेरी मम्मी बचपन में ख़त्म हो गई, बचपन से सर दुखी दुख के संकट में झेला हुआ हूँ। पता नहीं भगवान की दया से कब होगा, मैं अपने पिताजी को सुख दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा। वो तो आपका एक दिन यूट्यूब पे देख लिया तो आपसे कुछ आशा लगी। मैंने कोई तो गुरु मिलेगा हमें, कोई तो गुरु मिला कि ज्ञान देगा। कहते हैं कि बिना गुरु के कोई ज्ञान कामयाबी नहीं होता है, चाहे वो आपको कॉपी से सीखें या कोई आपको बताए। मतलब बिना गुरु के सर कोई भी ज्ञान नहीं होता है। ये हमारे पिताजी ने हमें ये बात सिखाई है कि बेटा बिना गुरु के कोई भी ज्ञान नहीं होता। अब उसका अर्थ अगर आपको मालूम नहीं है तो वो चीज़ हमारे कोई काम की नहीं है। आप अर्जुन के वंशज है, कोटि कोटि नमन उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ, पैर छूता हूँ आपके भी। नमस्कार, मैं नंदकिशोर हो सकता हूँ हूँ मैं। अगर आप थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं तो बहुत मेहरबानी होगी। आप इसी तरह हमेशा आते रहें यूट्यूब पे, हमेशा सदा के लिए। मैं भी CID एपिसोड में जाना चाहता हूँ, बस यही दुआ है मेरी आप लोगों से, बस और कोई दुआ नहीं है। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो बोलने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।
हेलो सर, एक एक बात कहना भूल गया था मैं आपसे। हमारे जो घर वाले हैं, पता नहीं हमारे बाबा जो बंगाल के पढ़े हुए थे, उन लोगों को उनको दे गए हैं हमारे दादाजी को। उल्टी सीधी चीज़ हमारे पास हर साल ये करते रहते हैं, दिवाली दशहरा के टाइम में पूरी साल हमारी ख़राब कर देते हैं सर। अगर कोई तोड़ कोई उपाय हो तो सर प्लीज करके मुझे बताइएगा। मैं नंद किशोर बोल रहा हूँ सर, ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, यही आपसे हाथ जोड़ के विनती है। मैं भूल गया था सर बोलना ये बात, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे तो प्लीज़ कृपया करके कोई ना कोई समाधान ज़रूर बताएं, बहुत परेशान हूँ। नमस्कार भाई नंद किशोर जी, आपकी हमने तीनों चार और पांचों ऑडियो सुनी। पहले तो आपको हमारा आशीर्वाद पहुँचे, आप सदा सुखी रहें, सदा सफल हों, आपको बरकत मिले और बहुत नाम मिले। लेकिन जो या तो आप ऑलरेडी सीरियल्स में काम कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने जा रहे हैं, जैसा भी हो, जहाँ तक अंदाज है आप कर चुके होंगे, क्योंकि आपकी जो वॉइस डायलॉग डिलीवरी है वो एक मजे हुए कलाकार की है। खैर, हम आपकी बात बॉलीवुड तक और सीआईडी की टीम, खैर बॉलीवुड की बहुत बड़ी महान हस्तियां हमारी नेटवर्क में जुड़ी हुई हैं, हम उन तक और सीआईडी की पूरी टीम तक आपकी आवाज को पहुंचा देते हैं, आपकी बात को पहुंचा देते हैं। वैसे तो आपको काम मिल गया होगा, आप मिल कर रहे होंगे, और नहीं भी मिला होगा तो मिल जाएगा, हम ये उम्मीद करते हैं आपकी बात सीआईडी टीम तक पहुंच जाएगी, और सीआईडी टीम तक ही नहीं बल्कि कहीं और बहुत दूर तक पहुंच जाएगी, शायद सभी टीवी चैनल्स तक, दूरदर्शन तक, और माननीय संचार मंत्री, सूचना और संचार मंत्री जो है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उन तक भी आपकी आवाज पहुंच जाएगी। हम ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं और आपकी आवाज भारत सरकार भी सुनेगी, बॉलीवुड भी सुनेगा, सीआईडी। सर नमस्कार, आपकी रिकॉर्डिंग आ गई, मेरे दिल में बहुत सुकून है। आपने ये बात बोली कि ये बात हम आगे पहुंचाएंगे। सर वैसे अभी मैं कहीं नहीं पहुंचा हूं, कानपुर में सर मैं रिक्शा ही चलाता हूं अभी अपने पापा जी के साथ। मेरी मम्मी नहीं है ना मेरे घर, हमारे घर वाले हमारा जमीन जायदाद कुछ नहीं दे रहे हैं। हम भी सर कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस मेरा यही सपना है अपने पापा को बस सुख देखना चाहना।